दोस्तों सबसे पहले ये अंबरसरी कुलचे चेक करो, इतने क्रिस्पी, ढेर सारा ऊपर भैया जी मक्खन लगा रहे हैं। मैं आया हूँ चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ की एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अंबरसरी कुलचे खाने के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे से पहले यहाँ नंबर नहीं आता किसी का भी। कम से कम आधा घंटा की वेटिंग चल रही है भैया जी के पास। ये साउंड सुनो जरा, ये रश चेक कर लो, क्राउड चेक कर लो, लाइनें देख लो। मई का महीना है, तपती धूप है, वर्किंग डे है। वर्किंग डे के अंदर इतनी गर्मी में भी लोग आधा आधा घंटा वेट कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ का नज़ारा है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। यहाँ पर आपको मिलेंगे अंबरसरी कुलचे, लेमन राइस, प्लेन राइस, फ्राइड राइस, मंचूरियन, कढ़ी चावल, राजमा चावल, सैंडविचेस, जो भी आपको खाना हो वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल होगा। 12 बजे ये मार्केट शुरू होती है और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ स्ट्रीट फूड चलता रहता है। ये देखो अंबरसरी कुलचे नान जो लग रहे हैं भैया जी के, क्रिस्पीनेस इतने डिलीशियस, यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ के अंबरसरी कुलचे नान। इसको खाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। पूरा प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, आप बैठकर आराम से अपनी जगह लेकर खा सकते हैं। अगर आप चाहो तो पैक भी करा सकते हो। पैकिंग के लिए और ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ खाने वाले ही नहीं ख़त्म होते, पैकिंग वालों का नंबर तो कब आता होगा। पर खाने में बड़े ज़बरदस्त है, बड़े ही लाजवाब है। यहाँ देख लो, आटे वाले भी कुलचे हो चाहे हो मैदे वाले, दोनों अंबरसरी कुलचे यहाँ अवेलेबल हैं भैया जी के पास। कीमत रखी है भैया जी ने 40 रुपये और 50 रुपये की प्लेट। अगर आपने पनीर वाला खाना है तो पनीर वाला आपको 100 रुपये का मिलेगा। अभी दोपहर के बजे 1 और वर्किंग डे है, उसके बावजूद यहाँ इतना रश है कि मुझे भी 1 घंटा यहाँ वेट करना पड़ा कम से कम। ये देखो भैया जी की पुदीने वाली चटनी, टेस्ट बड़ा ही लाजवाब। एक बार में देख लो गोली की स्पीड पे यहाँ पे भैया जी अंबरसरी कुलचे लगा रहे हैं, उसके बावजूद आधा आधा घंटा वेटिंग है यहाँ पर। गोली की स्पीड से भैया जी का हाथ चल रहा है कंटिन्यूसली। पैकिंग भी भैया जी साथ साथ कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लोगों को अटेंड भी कर रहे हैं, बड़े प्यार से खिलाते हैं कि लोग यहाँ पर दोबारा खींचे चले आते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके मुंह में पानी आ रहा है ये अंबरसरी कुलचे नान देखकर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देख लो ढेर सारा येलो मक्खन लगाते हैं भैया जी, बहुत ही प्यार से भैया जी खिलाते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, रश और लाइनें बढ़नी और ज्यादा शुरू हो गई है। देखो अगर अच्छी चीज खानी है थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये है भैया जी की थाली, 40 रुपये कीमत है, 2 नान है, छोले हैं, प्याज है, चटनी है। भैया जी के साथ एक और भैया जी हैं वर्मा जी, जिनके पास बहुत ही डिलीशियस आइटम है। पहले मैं आइटम चेक करवाता हूँ आपको कौन कौन सी है। सबसे पहले भैया जी के पास पंजाबी छोले, ये आ गया हमारा वेज मंचूरियन, उसके बाद आ गया अपने राजमा, पंजाबी कड़ी आ गई है, ये है भैया जी के जीरे वाले प्लेन राइस, ये आ गए हमारे न्यूट्री राइस, ये आ गए हैं भैया जी के फ्राइड राइस फुल 80। जी सर, फ्राइड हमारा सर 50 और 70 है, न्यूट्री हमारा सर 40-60 है। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सर 11:30 से लेकर 5 बजे तक। 5 बजे तक? हाँ जी। छुट्टी किसी दिन नहीं? छुट्टी सिर्फ संडे होती है सर। सिर्फ संडे? हाँ जी सर। यहाँ भैया जी के पास न्यूट्री राइस लो, प्लेन राइस लो, लेमन राइस लो, फ्राइड राइस लो, उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करा सकते हैं, राजमा हो, कड़ी हो, मंचूरियन हो, या तीनों चीजें भी आप ऐड करा सकते हो। बड़ा ही रीजनेबल भैया जी का प्राइस है, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड ऑन करा सकते हो। पर खाने में बड़ा ही टेस्टफुल और लाजवाब है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, घर जैसा भैया जी के पास खाना है। लोग यहाँ के इतना पसंद करते हैं कि यहाँ पर भैया जी का सामान 5 बजे की जगह 4 बजे, 4:30 बजे ही खत्म हो जाता है। चाहे आप न्यूट्री राइस डलवाओ, चाहे आप लेमन राइस डलवाओ, प्लेन राइस डलवाओ, ऊपर राजमा डलवाओ, कढ़ी डलवाओ, मंचूरियन डलवाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। भैया जी बड़े प्यार से खिलाते हैं यहाँ पर।
मुझे यहाँ के कड़ी चावल, राजमा चावल और मंचूरियन तीनों चीजें ही इतनी पसंद आई कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप यहाँ पर आए तो ये तीनों चीजें ट्राई जरूर करें भैया जी की। आप प्लेन राइस के साथ कड़ी लो, प्लेन राइस के साथ चावल लो, आपकी अपनी मर्जी है। 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए कीमत है यहाँ पे। अंबरसरी कुलचे और वर्मा जी की स्टॉल के बाद एक और भैया जी यहाँ पर हैं, विक्रम भैया जी, जो बहुत ही डिलीशियस यहाँ बेचते हैं। सैंडविच हो, मैगी हो, ऑमलेट हो, डबल ऑमलेट हो, उनके पास लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ उनके पास क्या क्या है। ये है विक्रम जी की स्टॉल, ग्रिल सैंडविच खानी हो, मैगी खाने हो, ऑमलेट खाने हो, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है ग्रिल सैंडविच का। अगर आप यहाँ पर आए तो ग्रिल सैंडविच इनके जरूर ट्राई कीजिएगा, लोग बहुत पसंद करते हैं इनके ग्रिल सैंडविच। बड़ी साफ सुथरी स्टॉल है भैया जी की और खाना बड़ा ही लाजवाब है यहाँ पे। अभी गर्मियां चल रही हैं तो भैया जी ने नींबू पानी भी शुरू करा है जो पीने में बहुत ही डिलीशियस था। दोस्तों लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले भी आपने मेरी छोले भटूरे की वीडियो हो, परांठों की वीडियो हो, बफे की वीडियो हो, सोनू का ढाबा की वीडियो हो, चंडीगढ़ की और भी स्ट्रीट फूड की वीडियोस हो, सबको दिल खोल के प्यार दिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। ये लोकेशन है सेक्टर 41 के अंदर, पिज़्ज़ा हट के बिल्कुल साथ। गूगल में सर्च कर लीजिएगा 41 पिज़्ज़ा हट, उसके बिल्कुल दीवार के साथ ये स्टॉल है। तीनों स्टॉल, तीनों ही खाने लाजवाब, विजिट ज़रूर कीजिएगा अभी तक अगर आप लोगों ने विजिट नहीं करा है भैया जी को। जल्दी ही मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, लव यू गाइस।